कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान गुरदासपुर के पिंड दतारपुर च पिंड के कुछ लोगों ने पिंड के बाहर नाका लगाया होया सी कि बाहर का व्यक्ति पिंड के अंदर ना आ सके अते कोई पिंड का बाहर ना जा सके। पर कल देर शाम पिंड का एक दलित समाज का नौजवान काम करने के लिए पिंड तो बाहर जाना चाहता सी, पर पिंड के कुछ लोगों ने उस दलित समाज के नौजवान नू नाके ते काफी जलील किया अते उसते मामला दर्ज करवाने दी धमकियां भी दित्तियां, जिसके चलते नौजवान ने परेशान होकर घर च फांसी का फंदा लगा के अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने पिंड के दो लोगों ने मामला दर्ज करके मृतक देह नू पोस्टमार्टम के लिए भेज दिता है। इतने गलबात जी कल इतने 3 बजे की गल इत करफ्यू लगा ही पैरा लगा ही तो इतने घर के सामने मुंडे बैठे थे घर के सामने कभी इतने नाके लगे आ जाते कभी घर बहनते होर कोई गलबात नहीं तो इन्हें कहा भी तेरे पट्टे मरोने पट्टे मरोने किन्ने गया लखबीर सिंह ने मैंबर मौके देना हाँ जी तो पहल पहला दोपहर चाबी क्ढी मोटरसाइकिल की काम तो आए पहला मुंडे तो फिर काम तो आ गए चले रीपर मशीन लाने गल कर चले बंद देर वे तो इन्हें मोटरसाइकिल चाबी कह ली कहीं कि चले वो कहता भी अं डेरे चलने कहता अं कादी चले कादी करफ्यू लगा वा तो इतने जाना बंद इन्हें मोटरसाइकिल चाबी कह ली फिर अं घर फोन किया मोटरसाइकिल चाबी कर ली बाद चाची गई आ गए मोटरसाइकिल चाबी दवाई फिर घर आ गए मुंडे दोपहर आप 1:15 की गल है जी तो उस तो बाद 3 बजे इतने नाका लगा उदो करफ्यू तो उस तो बाद इन्हें आके इतने क्लेश खड़ा किया पुलिस ने सद्या फोन करके फिर दबके दुके दवाए मुंडे ने तो मुंडे ने प्रैशर में आ गए दबा च आ गए थे मारिया कुटिया नहीं मारिया कुटिया नहीं दबके दुके मारे कारवाई हाँ जी हो मुंडे साढ़े ने धमकिया देंदे ही कहते टिका टिका उन्होंने कोई भनेवे भनावे टिका साढ़े घर 10:30 आया शुरू तो लगती ही दुपहरे घर मैं रोटी पानी खवा लिया न्याणे उधर किते काम गए कहिंदे कि असीं हुण अंदर च वड़ के की करना ही काम करना काम करन गए ते उहने रोक ली चाबी ना मुंडे मोटरसाइकिल चो कढ ली मैनू मुंडे ने सिर्फ फोन कीता चाची मेरी मोटरसाइकिल चो चाबी कढ ली मैं गई मैं कहा चाबी क्यों कढी मोटरसाइकिल चो मैं उहनां नू फिर नहीं कहा मैं अपने न्याणे नू गाल मंदा कढिया फिर घर लै के आई हां बाद च सामी पई इत्थे इहने नाका लाया इत्थे भी न्याणे नू ने बहुत तंग कीता पुलिस वालिआं नू बार बार फोन लाउंदा सी इहनां नू आण के चुको इहनां नू आण के चुको पुलिस मुलाजम इहने अंदर लिआंदे मैं पुलिस मुलाजमां नू कहा भी इहनां दे दो दो चपेड़ा मारो भी चलो नाके ते ना जाण उह कहिंदे भी चलो बीबा असीं इदां कह दिंदे आ बात विच इन्हें नहीं पता मुंडे साडे नूं की क्या की ने क्या उन्हें कहा तैनू छित्र फड़ाता तीन तेरे भरा होर जो उन्हां नूं वी नाल ही फड़ाउणी मुंडे साडे ने तुहाडे मुंडे नूं पुलिस वालिआं ने ते नहीं कुछ किया नहीं नहीं पुलिस वालिआं ने कुछ नहीं किया प्रैशर उन्हां ही बहुत पाया सी साडे मुंडे ते मुंडे नूं जीन हराम कीता कहिंदा कंजर आ कंजरां दा तमाशा वेखो आण के सानूं इन्हां लोकां ने कंजर बणाया वा कौण कहिंदा सी लखा ही कहिंदा अपनी मां नूं इत्थे दी मां दे लखा बैठे कहिंदा कंजर वा कंजरां दा तमाशा वेखो की गल असीं कंजर हो गए आं वी शाम नूं सानूं पिंड दतारपुर तों सूचना मिली सी कि जसविंदर सिंह पुत्र सरवण सिंह अमरजी सिख वासी दतारपुर उम्र करीब 18 साल है इन्हें अपने घर के अंदर पखे ना फाह लैके मौत हो गई है जी ये संबंध में असी पुलिस पार्टी ने पुज के मौका देते वो घरद्या पता किया जिन्होंने दसिया भी 14/4/20 जसविंदर सिंह गुआढ़ी जोड़े लखबीर सिंह उर्फ लखा पुत्र प्यारा सिंह सरदार सिंह अते अमनदीप सिंह उर्फ टिंका पुत्र सरदार सिंह वासियां दतारपुर जिहड़े आ इन्हां ने बीती रात 10 बजे उन्हां दे नाल जसविंदर सिंह ते परिवार दे नाल माड़ा चंगा बोलिया सीगा अते थ्रैट कीता सीगा जिहदे तों दुखी हो के 15/4 नूं शाम 7 बजे जिहड़ा जसविंदर सिंह ने अपने घर विच फाह लै लिया सीगा जो बलविंदर कौर पत्नी जसबीर सिंह वासी दतारपुर जो कि मृतक की चाची लगती है मृतक के दोनों माता पिता सधारण हन तो उन्हें वह पालन पोषण किया है बलविंदर कौर के बयान देते दोषियां लखबीर सिंह अमनदीप सिंह के खिलाफ 306 चौकी IPC तहत थाना पैनी खाने के मुकदमा दर्ज किया ये जो सानू पता लगा भी वो डेड बॉडी घर पई हुई है उसके बाद पुलिस पार्टी पुजी पुलिस पार्टी ने पुज के अमनदीप बलविंदर कौर के बयान से मुकदमा दर्ज करता दोषियों की भरपाई। बुलेटिन टीवी बटाला तो जसविंदर बेदी की रिपोर्ट।